बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शो ऑल से आगे चलना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि जब हम डिलीट पे क्लिक करें तो हमारा जो क्रॉस्पॉन्डिंग, यानी ये जब भी डिलीट पे ला रहे हैं तो इस जगह देखें हमारे पास जो भी रोल नंबर का डाटा सेंड हो रहा है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास फाइल कौन सी कॉल होनी है, डिलीट डाटा वाली। तो इस फाइल को हम ओपन करके पहले अंडरस्टैंड कर लें इस फाइल में क्या पड़ा है हमारे पास। देखो इस फाइल में कुछ जो कोड है लिखने वाला है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये फाइल जब कॉल होगी तो हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिश होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमें रिसीव हो रहा है, जो बटन है उसका क्रॉस्पॉन्डिंग हमें क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो उसका क्रॉस्पॉन्डिंग हमें रोल नंबर सेंड होकर यहाँ पे रिसीव हो रहा है। हमने इस रोल नंबर को रिसीव कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसकी क्यूरी लिखनी है। डिलीट फ्रॉम, डिलीट स्टैटिक नहीं होता, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, और वेयर की क्लास रूल लगानी है, वेयर रोल नंबर ये डेटाबेस वाला इक्वल टू जो हमने यहाँ रिसीव करके लाए हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको और यहाँ भी कर देते हैं। तो हमारे पास रोल नंबर के अगेंस्ट क्यूरी आ गई। अब हमने जस्ट क्या करना है, इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना है। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का वही सेम तरीका है जो इंसर्ट वाई में था, इसको यहाँ से कॉपी कर लाते हैं इतने कोड को, कंट्रोल मैंने सी किया और डिलीट डाटा में आके इस क्यूरी के बाद हम पेस्ट कर देते हैं। जस्ट रिकॉर्ड इंसर्शन की बजाय क्या आ जाएगा, डिलीटेड सक्सेसफुली। अच्छा एक तो ये मैसेज आए, एक हम ये चाह रहे हैं डिलीट जैसे ही हो चले, मैसेज अगर हमें नहीं भी चाहिए तो मैसेज को हम कमेंट कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये डिलीट हो ये हमें रीडायरेक्ट कर दे, कहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करके ये वापस भेज दे शो ऑल वाले पेज पे। तो इसके लिए जो हम लिखते हैं, लोकेशन लिखेंगे हम और ये इसको डबल कोट्स में देंगे और डबल कोट्स को क्लोज भी कर देते हैं हम लोग। और हम कह रहे हैं जैसे ये डिलीट हो तो ये शो ऑल डॉट पीएचपी पे, ये हेडर वाला फंक्शन क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है पीएचपी में हमें करते। तो इसको हमने कमेंट कर दिया। तो ये फाइल कॉल होगी, कॉल होके चले पहले हम इसको मैसेज को जनरेट करवाते हैं, अगली दफा इसको हम ना रीडायरेक्ट करेंगे, पहले ऊपर वाला ही रहने देते हैं। तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने इसको, वापस आते हैं हम किस पे, यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो रोल नंबर है 11 का क्रॉस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड सेंड होगा, मैसेज आया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी ये डिलीट डाटा फाइल कॉल हुई, रोल नंबर सेंड हुआ, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। वापस अगर शो ऑल पे दोबारा आएंगे, इसको रीलोड करवाते हैं तो देखिए हमारे पास वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये मुझे ये वाला वापस आके बिना देखना पड़े ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट करके इस पेज पे भी भेज दे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम यूज करेंगे सबलाइन कोई, और सबलाइन में हमने फंक्शन अभी लिखा था हेडर और लोकेशन वाला, इसको कॉल करेंगे और ऊपर वाला ऐसा हमें जरूरत नहीं है उसको कमेंट कर देते हैं। अब दोबारा अगर मैं आता हूँ, इसको सेव कर दिया मैंने, जैसे ही मैं इसको और रिकॉर्ड को चले नीचे वाले को डिलीट करते हैं, जैसे डिलीट करूंगा तो ये रिडायरेक्ट डिलीट करेगा, उस फाइल कॉल होगी और रिडायरेक्ट होकर मुझे वापस शो ऑल पे ले आया। तो डिलीट वाला ऑपरेशन भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।